अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम जो है वो चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस मीन्स के करेक्टर्स जो है या मटेरियल जो है वो वन जनरेशन से जब सेकंड जनरेशन या अदर जनरेशन की तरफ जाता है, दैट इज़ नोन एज द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो है वो लिंक्ड है जेनेटिक्स के साथ, ठीक है? और जेनेटिक्स आप 9th में पढ़ते हो कि जीन्स का करेक्टर्स, उसके इनहेरिटेंस, उसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस, कि ये जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स आ रहे होते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो करेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। के इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि करेक्टर जो है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, इसको जो वो मैकेनिज्म है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है कि यार ये अपने फादर से मिल रहा है, इस ये जो है अपने ग्रैंड फादर से मिल रहा है, ये जो है किसी और रिलेशन का बता देते हैं, या मदर से मिल रहा होता है, या वो अपने ग्रैंड मदर से मिल रहा होता है, किसी ना किसी उससे जो है वो उसका लिंक डेवलप कर देते हैं, उसका हम कहते हैं कि ये करेक्टर जो है वो इनहेरिटेड हो गया फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी तरह बहुत सारे जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डिजीज़ हैं, जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, वो भी इनहेरिटेड हो जाती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और ये जो करेक्टर्स होते हैं, इन करेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये ट्रेड्स होते हैं, ये जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैन, हाइट है, कलर ऑफ द आइज है, इंटेलिजेंस है, ये सारे हम कहते हैं कि इनहेरिटेबल ट्रेट्स जो है या इनहेरिटेबल करेक्टर्स जो हैं ये होते हैं। पेरेंट्स पास करेक्टरिस्टिक टू देयर यंग थ्रू द जीन ट्रांसमिशन। अब ये जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये बेसिकली जीन्स की ट्रांसमिशन से होते हैं, कि जो जीन्स होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आ जाते हैं, तो इनकी ट्रांसमिशन से जो हम कहते हैं करेक्टर वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और हमने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ी हुई है 7th में, तो 7th में 9th में, तो उसमें पढ़ते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है फ्रॉम ईच पेरेंट्स आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इक्वल नंबर है जो क्रोमोसोम्स का वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है? मियोसिस में हमने पढ़ा था कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं जब दो गैमेट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उनमें से एक जो क्रोमोसोम है एक पेरेंट्स के सेल से आता है, गैमेट से आता है, दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट्स के जर्म सेल से या गैमेट से आता है, और वो आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसमें जो है ये क्रोमोसोम मिल जाते हैं। द क्रोमोसोम्स कैरीज द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन्स। जो क्रोमोसोम है इसका जो यूनिट है जो कि एक पर्टिकुलर करेक्टर को, पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज द जीन्स। कि ये जीन्स जो है हम कहते हैं कि ये पीस ऑफ डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट है, डीएनए का एक सीक्वेंस है, कि जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को, पर्टिकुलर करेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल करेगा, उस पार्ट को डीएनए के हम कहते हैं दैट इज द जीन। इसका साइज का जो है वो वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है इसका साइज। जो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जीन्स कंसिस्ट ऑफ द डीएनए, डीएनए हम कहते हैं कि डीएनए से जो है वो जीन्स बनते हैं। द दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो जीन्स हैं इनके पास बेसिकली एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है विच टाइप ऑफ प्रोटीन दे हैव टू प्रोड्यूस। ये जो डीएनए का एक सेगमेंट था जिसको हमने जीन्स का नाम दिया, इनके पास क्वालिटीज़ होती हैं, या इनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, या इनके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं कि इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करनी है, इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो जीन्स होगा। द बॉडी सेल्स हैव द कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। जो बॉडी का सेल्स होता है हम कहते हैं कि उसमें कॉन्स्टेंट होता है नॉर्मल सेल में, नॉर्मल बॉडी में, और पेयर की फॉर्म में जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम कहें कि ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम थे वो 46 हैं या 23 पेयर्स हैं, ये कांस्टेंट है।
अगर ये नंबर 46 से चेंज हो जाए, 45 या 47 हो जाए या 48 हो जाए या 44 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मल नहीं होगा पर्सन जो है। तो हम जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी सेल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अगर एक सेल में जो है वो इतने क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है तो ये जो है वो किसका सेल होगा, किस ऑर्गेनिज्म का सेल होगा, तो ये हम जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में जैसे मैंने बताया 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम है, और ये जो होमोलोगस है हम कहते हैं कि टू क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर जो है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, कि इसमें जो पेयर में एक क्रोमोसोम जो है वो एक पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पेरेंट से आता है, तो वो जो पेरेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं, कॉमन जीन्स मौजूद होते हैं, तो हम उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वो होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसा कि अभी आप क्रोमोसोम का देखें कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं कि ये जो है वो क्रोमोसोम था, ठीक है। अब क्रोमोसोम को हमने हाईलाइट किया तो ये डीएनए और प्रोटीन इसके अंदर है, और अगर हम देखें डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स हम कहते हैं कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो वो प्रेजेंट होता है, एक ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक जो है ये येलो वाला स्ट्रैंड जो वो है, और इस तरीके से ये जो है वो क्रोमोसोम प्रोड्यूस। क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस द टू मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट, मियोसिस के वक्त हम कहते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक जब ये सेपरेट हो जाता है तो इस सेपरेशन के बाद हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एक क्रोमोसोम जो है उसका वो एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट में हम कहते हैं कि वो चला जाएगा, ठीक है, एक जो है वो एक गैमेट में और दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा। तो जो हाफ हुआ क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान, तो हाफ में से या पेयर में से एक क्रोमोसोम होमोलोगस का जो था वो एक गैमेट में, दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाता है। अब जो क्रोमोसोम है हम कहते हैं कि अगर इसको केमिकली हम देखें तो ये जो क्रोमेट बनता है वो क्रोमेटिन मटेरियल से बनता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो कंपोज्ड ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, और जो क्रोमेटिन है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। क्रोमेटिन जो है वो कम्बिनेशन है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि बनेगा डीएनए और प्रोटीन से, इन दोनों को हम कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रोमोसोम कहलाएगा। डीएनए अलग केमिकल है, प्रोटीन अलग केमिकल है, ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है वो क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएगा। और प्रोटीन भी हर टाइप की प्रोटीन नहीं होती, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये डीएनए की या क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में, डीएनए जो है वो रैप होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, कि डीएनए जो है उसने हिस्टोन प्रोटीन को जो वो रैप अप किया हुआ होता है, इट फॉर्म्स राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम, मींस के डीएनए और जो प्रोटीन है वो मिलके एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज द न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स, दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी डीएनए जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियोसोम जो है वो जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए उसके जो रैप हुआ होगा वो न्यूक्लियोसोम होगा, बट जो डीएनए है वो दो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी एक स्ट्रैंड की फॉर्म में जो वो प्रेजेंट होता है। सो इन दिस वे न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो ये ऐसा लगता है जैसे हमने को बीड्स जो है मोती जो है वो किसी स्ट्रिंग में धागे में जो है वो प्रोए हुए हों, इसको जो डीएनए है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो वो प्रोटीन और डीएनए का नजर आता है, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम कहते हैं हमें इस तरीके का।
कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे बीड्स। जैसे अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारा डीएनए, ये जो ग्रीन कलर का ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस डीएनए ने जो है वो इसको रैप अप किया हुआ है, दरमियान में भी डीएनए है, ये मिलके न्यूक्लियोसोम बना दिया, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम बन गया, ये डीएनए है सिंपल। तो ये हम कहते हैं कि अगर आप देखें इसको तो इस तरह लग रहा है जैसे कि बीड्स जो है स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। द फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, कि जो इसके अंदर हमारे पास हम कहते हैं कि जो फाइबर था ये जिसमें न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट थे, ये जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, इकट्ठा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा, तो इसको हम कहेंगे दैट इज द क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली दीज आर द सोर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जो है वो इसी क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है। लाइक हम ये कहेंगे हमारी हाइट कितनी होनी है, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। हमारा आई कलर क्या होना है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होना है, हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होना है, हमारे हेयर का जो है वो स्ट्रेट होने हैं या कर्ली होने हैं, कर्ली होने हैं कर्ल्स होने हैं, हमारी टांग रोल हो सकती है नहीं हो सकती, हेयर लोब जो फ्री है या अटैच है, नेल्स का साइज क्या है, शेप क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। और यही क्रोमोसोम जो है ये ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू। इसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, हम कहते हैं कि ये 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इन्होंने प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंगली हम इसको जो मॉडल है इसको कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हम इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, तो डीएनए जो है इसमें दो स्ट्रैंड होंगे जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली मीन मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन वो जो यूनिट था हमारा, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। These strands are coiled around each other in the form of double helix. अब ये जो coiled है हमारे पास हैं strand, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द coil हुए होते हैं, ये strand थे double है, एक तो एंटी पैरेलल होते हैं ये एक दूसरे के, और दूसरा हम कहते हैं कि ये आपस में coiled अप होंगे और एक double helix structure करते हैं, ये आप देख सकते हो। एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, अब ये एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल हुए हैं और ये डबल हेलिक्स हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ होता है, ठीक है, ये डबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट है, और ये हेलिक्स जो है वो डबल हेलिक्स ये यहाँ पे प्रेजेंट हो। ये वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने अपना मॉडल जो है वो इस तरीके से डिवेलप किया था फिजिकली बताने के लिए कि किस तरीके से डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक स्ट्रैंड ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का और एक स्ट्रैंड जो ये एरो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसका ये एरो है और इसका हम कहते हैं कि ये एरो है, इसको हम कहेंगे कि ये थ्री एंड है और ये जो हमारा फाइव एंड है। और अगर हम केमिकली देखें ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा राइबोस शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी भी अगर कंपोजिशन देखें तो ये थ्री कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड जिससे मिलके डीएनए बनता है। एक ये वाला है, इसको हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एक ये है, ये राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन बेसिस है। अब ये फोर टाइप की नाइट्रोजन बेसिस है, गवानिन कहलाएगी, साइटोसिन कहलाएगी, थायमिन, एडिनिन, फिर ये साइटोसिन गवानिन, एडिनिन और थायमिन, ये वही है। आप देख सकते हो इसमें जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो कि इसमें राइबोस शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये ऑक्सीजन जो अपवर्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हो डाउनवर्ड है, तो इसको हम कहते हैं दैट आर द एंटी पैरेलल, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और ये बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे भी के जो ग्लाइकोजन इसमें सी और जी है, इसके अंदर ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, हम कहते हैं कि ये तीन कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, कोवलेंट नहीं सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए,
और ये थायमिन और एडिनिन में टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी तरह साइटोसिन और गवानिन में जो है वो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो एडिनिन और थायमिन है इसमें टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर जो है वो इसका। अच्छा जी, देयर इज ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। इसके अंदर फॉस्फेट और शुगर जो है वो बैकबोन बनते हैं आउटसाइड वाली पर, और जो नाइट्रोजन बेसिस हैं जैसे मैंने बताया जो कि साइटोसिन गवानिन एडिनिन और थायमिन है, ये जो है ये सेंटर में इन साइड जो है वो प्रेजेंट होती है। डबल हेलिक्स द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द अपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इसमें जो वो बनाते हैं। दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। जो पेयरिंग है हमारे पास हम कहते हैं स्पेसिफिक होती है, मींस के जो एडिनिन नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान में एडिनिन है दैट विल आल्सो फॉर्म द बॉन्ड विद द थायमिन, और ये साइटोसिन या गवानिन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी। इसी तरह जो साइटोसिन है वो गवानिन और के साथ आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसमें हम कहते हैं कि कभी भी साइटोसिन जो है वो एडिनिन या थायमिन के साथ नहीं बनेगा। साइटोसिन फॉर्म पेयर विद द गवानिन, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडिनिन एंड थायमिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसी तरह जो साइटोसिन और गवानिन है उनमें थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो ये रैप अप हुआ हुआ डीएनए, ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन है, और हम कहते हैं कि ये भी जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो है इसने इसको रैप अप किया है। ये वही न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में अगर अलग देखें तो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको अलग करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है ठीक है, और ये जो बीड्स की तरह का ये जो नजर आते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर सेल डिवाइड्स, हमने ये चैप्टर 5 में सेल साइकिल में पढ़ा है सारा मैकेनिज्म। इट्स डीएनए इज रेप्लिकेटेड डुप्लीकेट हो जाता है, इट इज डन टू मेक द कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो रेप्लिकेशन है इसके हम कहते हैं कि डॉटर सेल ने प्रोड्यूस होना था, जब डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे तो इसमें डीएनए जो है रेप्लिकेट हो जाएगा एग्जैक्ट कॉपी फ्रॉम द पेरेंट पैकेज ऑफ न्यू सेल बन रहे हैं जो डॉटर सेल बन रहे हैं उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स अनबाउंड, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये ब्रेक हो जाते हैं एडिनिन थायमिन साइटोसिन और गवानिन के दरमियान, और ये स्ट्रैंड जो वो अलग हो जाते हैं, और जैसे जिप हम कहते हैं कि जो साइड होती है जब हम उसके अंदर रनर जो है वो ओपन करने के लिए मूव करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड जो है दूसरे से अलग हो जाते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनबाउंड, द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड मच लाइक द टू साइड्स ऑफ द जिपर। जिपर की तरह की हम कहते हैं कि ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया डीएनए की रेप्लिकेशन का, और फिर जो है हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे। ओके बॉयज, खुदा हाफिज। डेवलप कर लेते हैं ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये जो है हमारा